नमस्कार, जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पंडित मनोज शर्मा में। आप सभी का दिल से अभिनंदन है चैनल के अंदर। तकरीबन चैनल के माध्यम से मेरा यही रुझान रहता है कि मेरे भाई बहन जो मेरे से जुड़ते हैं वो कहते हैं कि मनोज जी, आपके जो उपाय हैं, जो उपाय आप बताते हैं उनसे हमें धीरे धीरे फायदा मिलना शुरू हो रहा है। तो बड़ा मन को प्रसन्न होता है, बड़ा मन खुश होता है कि भगवान ईश्वर परमेश्वर ने अगर हमें कोई उपाय सिद्ध करने का बताया है या उन्होंने कोई मार्गदर्शन दिखाया है और उस मार्गदर्शन पे चल के हम अपने भाई बहनों को अगर उपाय बताते हैं और उनका समस्या का निवारण होता है तो बड़ा मन को खुशी महसूस होती है। वैसा ही आज आपके सामने मैं मसला, एक परेशानी का सामने आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। काफी भाई बहन बोलते हैं, पंडित जी, मनोज जी, हमारी यह समस्या है, इसका भी निवारण बताओ। तो उन भाई बहनों के लिए आज मैं समस्या का निवारण लेके आया हूँ कि अगर आपके जीवन के अंदर कोई इंसान आपको, मतलब कोई भी चीज आप किसी इंसान को बेहंतहा चाहते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, क्योंकि जो प्यार का मसला है 100 में से हर 3 आदमी को ये है कि कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत उनके जीवन में आ जाती है जिनकी वजह से उनका प्यार उनसे दूर हो जाता है, नाराज हो जाता है, पीछे हट जाता है। अगर ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है कि आपके प्यार ने आपको धोखा दे दिया है, आपका प्यार आपसे रूठ गया है, आपसे नाराज हो गया है और वो कहीं दूर चला गया और आप चाहते हैं कि आपका प्यार, आपका प्रेम संबंध, प्रेमी या प्रेमिका आपकी जिंदगी में दोबारा लौट आए और दोबारा आप चाहते हैं कि वैसा ही आपका संबंध बनना शुरू हो जाए जैसे पहले था। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि अच्छा रिलेशन, लॉन्ग संबंध चलता है, रिलेशन चलता है, परंतु कोई ना कोई इंसान की बुरी नजर, गलत चीजों के, वो उसके दिमाग में गलत चीजों का शिकार हो जाता है, उनके दिमाग में सद्भावना भर देते हैं, पैदा कर देते हैं, जिससे वो इंसान का जो संबंध है वो टूट जाता है। तो उन भाई बहनों के लिए ही आज मैं उपाय टोटका लेके आया हूँ कि अगर आपका प्यार आपसे रूठ गया है, नाराज हो गया है, दूर चला गया है और उसको जिंदगी में वापस बुलाना चाहते हैं तो मात्र 3 इस उपाय को करने से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखो, कोई भी चीज है धीरे धीरे होती है, मिनट सेकंडों में कुछ भी नहीं होता है। कोई भी उपाय करेंगे धीरे धीरे आपको उसका परिणाम दिखेगा, फायदा दिखेगा, लाभ दिखेगा। तो आपको करना क्या है, हर बुधवार के दिन आपने हरा कपड़ा लेना है। हरे कपड़े पे आपने उसके नाम की जैसे फोटो ले लें, उसका आपको कोई गिफ्ट दिया हुआ है या कोई निशानी है या कोई कपड़ा है वो ले लें, जैसे का बाल है वो ले लें, हरे कपड़े के अंदर वो बाल या उसका कोई भी तस्वीर आपने रख देनी है। रखने के बाद में आपने उस इंसान की फोटो पे अपने मन ही मन 151 बार एक मंत्र का उच्चारण करना है कि ओम नमो नारायणी वाशुकरण होत स्वाहा, ओम नमो नारायणी वाशुकरण होत नमो स्वाहा। आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है और स्वाहा के बाद में उस इंसान का नाम लेना है, 151 बार करके उस कपड़े को गांठ मार देनी है और उसको ऐसी जगह कहीं रख देना है कि कोई देखे ना। उसके बाद में अगले बुधवार सेम आपने उसी फोटो पे उसी मंत्रों का उच्चारण करना और उससे फिर अगले बुधवार उसी फोटो पे उसी मंत्र का उच्चारण करना है। 3 बार उपाय करने के साथ ही आपका प्यार कहीं जितना मर्जी दूर क्यों ना चला जाए, आपको फोन करने के लिए, बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा, उसके मन में होगा कि वो आपसे बात करे, जो भी उसके मन में गुस्सा, क्रोध, नफरत है वो निकलेगी, मन में भावना होगी कि वो आपसे मिले, आपसे बात करे। अगर आपको इस उपाय को ना समझ आए कैसे करना है, हर कोई इंसान कर सकता है तो इसको हर कोई इंसान ही कर सकता है, कोई डर नहीं है, कोई इसके अंदर आपको समय सारणी नहीं है, सुबह करें, शाम को करें, दोपहर को करें, कोई डर नहीं है, कोई इसमें बंदिश नहीं है, कोई परहेज नहीं है। अगर आपको ना समझ लगे, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, गलत ना करें। धन्यवाद।